से ट्रेन किया गया था, जबकि हमारे साथ कौन है? एक बेवकूफ, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे यूजलेस लड़की। ए लड़के, छिछोरे बाबा, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अपनी रिसर्च करने जाना है, तुम्हें तो पता ही है, क्योंकि मैं बहुत ही बड़े नॉवल पे काम कर रहा हूँ। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दमैन, पूरा नाम है दमनदीप सिंह बगन, और मैं अभी फ़िलहाल जिराया के लिए वॉइस कर रहा हूँ इन द सीरीज़ नारुतो। सो इट्स सुपर सीरीज़, बहुत मज़ा आ रहा है। सो यह हाय, हाउ आर यू एवरीबॉडी, वेलकम टू द शो। So what is up guys? नहीं नहीं, आप चैटर भाई के चैनल पर नहीं आए हो, आप मेरे ही चैनल पे हो सब। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा गजब की, क्योंकि आज हमारे चैनल पे है दी छिछोरे बाबा जिराया, यानी कि जिराया सेंसे, यानी कि लेजेंडरी शानिन की सबसे शक्तिशाली मेंबर। तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम वीडियो होने वाली, क्योंकि वह जिराया सेंसे जहाँ पे आ जाते वो चीज़ अपने आप ही ऑसम हो जाती है। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड शुरू करने से पहले, मेरे साथ आज की कोलैब वीडियो है ये विद मिथिकल इन्फर्नेप। तो मिथिकल भाई अपना आउट्रो इंट्रो सब दे दो जल्दी जल्दी। आई एम मिथिकल फ्रॉम मिथिकल इन्फर्नेप चैनल। तो आज जैसा कि मेगा ने कह दिया होगा कि हम इंटरव्यू लेने वाले हैं हमारे सेंसे का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर के इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक तो हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सर को वहां जाके फॉलो करो, दिखाओ भाई नाउ डिफेंस की पावर दिखाओ। तो मैं हूँ टोबी, आप देख रहे हैं ब्रोकन होकागे। तो आपके एक्साइटमेंट और समय को सर आंखों पे रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। So let's start the interview with question number one. तो आपको जिराया का कैरेक्टर डब करने के लिए कैसे मिला? Well, जिराया मुझे कैसे मिला, ये कोइंसिडेंस है। मेरे एक दोस्त हैं मणिकांत सर भॉय, और उनकी बात हो रही थी मिस्टर मट्टू से, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस सीरीज़ के लिए। तो वो सोच ही रहे थे कि किसको कास्ट किया जाए, एंड देन मणिकांत ने उनको बताया कि आप दमन से ट्राई कर सकते हैं। तो आई वॉज लिटिल हेजिटेंट, बिकॉज मैं थोड़ा एनिमेशन आजकल कम कर रहा हूँ, आई एम बिजी विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स म्यूजिक रिलेटेड एंड स्टफ। तो पर मैंने फिर भी मैंने सच बताऊँ तो मैंने आज तक कभी नारुतो देखा नहीं था एकदम तरीके से, यू नो, बिकॉज आई हैव नॉट बीन अ फॉलोअर ऑफ एनिमे। एक्चुअली बिजी रहा बहुत सारी चीज़ों में, तो मैं कभी ध्यान ही नहीं दे पाया। तो इस तरीके से मुझे वहाँ पे बुलाया गया, मैंने बात की, और जाके कैरेक्टर जब मैंने देखा तो मैंने बोला वाह, दिस इज़ लाइक अ क्रेजी कैरेक्टर। और मुझे जिम कैरी की याद आ गई, बिकॉज मैं जब जिम कैरी वो करता था तो वो भी ऐसे ही कैरेक्टर था जिसके अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे होते हैं। सो दैट्स हाउ आई गॉट जिराया। या तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नारुतो में डबिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा था, और स्पेशली जिराया को डब करने के बाद आपको कैसा लगता है? यार ये एक्सपीरियंस तो अभी चल रहा है, क्योंकि ये सीरीज़ अभी डब हो रही है, हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ एपिसोड्स कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही मज़ेदार है, जब भी जाते हैं हंसते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बिकॉज हमारा जिराया जो है पर्वी सेज है, जिसको हमने छिछोरे बाबा रखा है। तो हर टाइम हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि ये कर क्या रहा है ये कैरेक्टर, इट्स लाइक अमेजिंग। सो या इट्स बीन अ क्रेजी टाइम, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो, स्पेशली जिराया को डब करते हुए। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, एंड स्पेशली एनिमे, तो धमाल हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी को डबिंग में अपना करियर बनाना, अपना करियर डबिंग में स्टार्ट करना है, तो वो कैसे स्टार्ट करें? लाइक आप कोई टिप्स वगैरह दे सकते हैं? वैसे हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन डबिंग, ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे कि कैसे किया जाए। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों करना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू डब, लाइक आप कमर्शियली करना चाहते हो, या आप ऐसे ही एज अ फैन, एज अ लाइक अ हॉबी करना चाहते हो? तो उस तरीके से अप्रोच ज़रूरी है। वैसे अगर आपको डबिंग में करियर शुरू करना है, तो पहली बात तो सबसे पहले आप एक थिएटर के थोड़े से बेसिक्स सीख लें, क्योंकि थिएटर आपको सिखाएगा कि स्पीड ऑफ स्पीच, वॉल्यूम ऑफ स्पीच, कैरेक्टराइजेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इससे आप कई चीज़ों का मतलब आपको पता चल जाएगा कि ओके, ये सारी चीज़ें जाती हैं इन वॉइसिंग, इट्स नॉट जस्ट सिंकिंग, या आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप उसमें सिंक कर गए तो बस बहुत हो गया। आपको एक एक्टर ने जो काम किया है उसको, या कोई कैरेक्टर किसी ने वॉइस किया है,
तो उसको आपको रेप्लिकेट करना है ना डिफरेंट लैंग्वेज, या हो सकता है उसी लैंग्वेज में उसको बेटर करने के लिए कुछ लोग करवाते हैं ऐसी डबिंग। तो यू हैव टू गो थ्रू दैट कैरेक्टर। तो अगर ये सब करने के बाद आपको मन करता है कि आपको एक करियर बनाना है, तो बम्बई, बॉम्बे, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। बट डू कम अ लिटिल प्रिपेयर्ड, यही मैं कहूँगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक कितने कैरेक्टर्स को डब किया है? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बचपन से कर रहा हूँ मैं ये काम, एंड I haven't kept any count of this, but मैं कहूँगा कि ये बहुत ही प्यारा करियर ऑप्शन रहा है मेरे लिए, बिकॉज एज एन एक्टर मैं एक ऐसा करियर ऑप्शन चाहता था जो मेरी एक्टिंग स्किल्स को और बेहतर करे। तो ये मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, कितने कैरेक्टर्स किए हैं ये तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। I don't know. I'm sorry, I can't answer this question like एकदम एक स्पेसिफिक देख के 1000 किए हैं, 2000 किए हैं, I don't know. Yeah. तो सर नारुतो में जिराया के अलावा आप कोई दूसरे कैरेक्टर डब करना चाहोगे, और या फिर किसी और एनीमे में किसी कैरेक्टर को डब करना चाहोगे? या टू बी वेरी फ्रैंक, सॉरी टू ब्रेक अ लॉट ऑफ हार्ट्स जो एनीमे पसंद करते हैं, मैंने एनीमे नहीं देखा है उतना, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं कि और कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिराया कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये कैरेक्टर मुझे देखकर ही बहुत मज़ा आया, और मैं जब डब कर रहा हूँ तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है, बिकॉज एकदम से ये बात करते करते सीरियस हो जाता है और कभी कभी एकदम से कार्टूनिश हो जाता है, विच इज़ लाइक अ क्रेजी कैरेक्टर, यू नो। तो आई थिंक गिवन अ चॉइस आई वुड, या आई थिंक जिराया इज़ द बेस्ट, आई वांटेड टू डू दिस, यस। तो मेरा एक और क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं पूरे के पूरे फैंस का क्वेश्चन है, कि नारुतो की नई सीजन की डबिंग हो रही है क्या, लाइक 4 के बाद, लाइक सीजन 5, 6, 7 की डबिंग चालू है कि नहीं? यस, अभी भी इस सीरीज की चल रही है डबिंग, हम ऑलरेडी इन द प्रोसेस हैं, सो आई एम एंजॉयिंग द होल प्रोसेस, बिकॉज जब भी मैं, जैसे कल मेरी एक डबिंग है, तो कल जिराया को करना है, तो आई ऑलरेडी गेट प्रिपेयर्ड, बिकॉज वो कुछ भी कर सकता है, यू नो, ही कैन गो लाइक क्रेजी वाइल्ड एंड वेरी सटल ऑल्सो। तो या इट्स एन अमेजिंग टाइम, वी आर स्टिल डबिंग द सीरीज। तो सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आपको हमें चैनल पे इंटरव्यू देके कैसा लगा, एंड एनी मैसेज फॉर फैंस? ब्रदर, आपके चैनल पे इंटरव्यू देकर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आज लोग बिहाइंड द माइक कौन है, वो वॉइसेस कौन है, कौन करता है, ये सारी चीज़ों की आजकल जानकारी लोगों को काफ़ी हो गई है। तो एज एन एक्टर तो चलो अलग बात है, बट एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट कुछ लोग आपके काम को सराहते हैं, तो अच्छा लगता है कि, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो एक कुछ लोग देखेंगे इसको और वो मुझे जानने का उनको मौका मिलेगा। सो या इट्स अ गुड फीलिंग मैम, बहुत मज़ा आ रहा है। और फैंस के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा, यार एक चीज़ है, फेकनेस से दूर रहो, ओके? एक जो होता है ना भेड़ चाल, उसको मत फॉलो करो कि सब लोग ये कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे, हम इनको लाइक करेंगे। बी जेन्युइन, है ना, अगर आपको लगता है कि कोई डिज़र्व करता है, यू कैनॉट बी लाइक जो लोग हैं जिनको इस फील्ड के बारे में या एक्टिंग के बारे में या वॉइसिंग के बारे में नहीं पता, तो वो काफ़ी लोग अपनी टिप्पणियाँ देते हैं, यू नो, दे गिव देयर क्रिटिसिज्म, तो वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड कि एक स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करना इज़ अ बिग थिंग, तो सपोर्ट कीजिए रादर देन बीइंग क्रिटिकल अबाउट एनी आर्टिस्ट, सो जस्ट एंजॉय द शो, यू नो, हैव फन। तो सर क्या एक बार आप जाने से पहले हमारे प्यारे जिराया सेंसेई की वॉइस में सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बोल सकते हैं प्लीज? सुनो नारुतो, ये जंग इतनी आसान नहीं है, ये जंग बहुत ही ज्यादा पेचीदी है, लेकिन जंग पे जाने से पहले एक काम जरूर कर देना कि इस चैनल को, जिसका नाम है ब्रोकन होकागे, इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना, ओके? ऑलराइट गाइस, ब्लेस यू गाइस, दिस इज द मैन साइनिंग ऑफ, एंड ब्लेस यू ऑल मैन, अपनी लाइफ को पूरी तरह से जियो एंड खुश रहो, एंड थैंक यू विकास फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू रिकॉर्ड दिस इंटरव्यू फॉर यू। I wish you all the best, and ये 2023 आपके लिए बहुत ही बढ़िया साल हो, आप और ग्रो करें, and much love man, bless you, take care guys.